हाय फ्रेंड्स, मैं कुसुम। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन पर प्रेस कीजिए मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आपको घेवर बनाना बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घेवर बनाने के लिए हमने मिक्सी का जार ले लिया है। अब इसमें आइस क्यूब डालेंगे। और घी डालेंगे। घी आइस क्यूब को हमने फेंट लिया है। घी जम गया है, इसमें मैदा और दूध को अब फेंट लेंगे। 250 ग्राम मैदा को थोड़ा थोड़ा डाल के और ठंडा चिल्ड पानी डालते हुए हम इसे 2 बार में फेंटेंगे। 1 टेबल स्पून बेसन डालने से इसमें जालीदार टेक्सचर आता है और क्रंची भी होता है। 1 टेबल स्पून हम बेसन डालेंगे। 1 नींबू का रस, 1 थोड़ा पानी, 1 थोड़ा मैदा डाल के हम अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसमें हमने 2 कप मैदा और चिल्ड पानी डालते हुए इसको बैटर बना लिया है। बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी ही रहनी चाहिए, न ज्यादा गाढ़ा न ज्यादा पतला। हम बिस्कर से भी फेंट के बनाते हैं, पर मिक्सर में जल्दी हो जाता है, समय की बचत हो जाती है। घी अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम बैटर डालेंगे। घेवर पर हम इसी तरह से हल्का हल्का प्रेस करते रहेंगे। अब यह घेवर दोनों तरफ से सिक गया है। घेवर को हमने 1 प्लेट पर करके रख दिया है, इसका एक्स्ट्रा घी निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब यह घेवर तैयार है। इसमें कितना अच्छा जाली का टेक्सचर आया है। रबड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 5 ब्रेड के स्लाइसेस। इसको हमने साइड से काट लिया है। 100 ग्राम चीनी, 1/2 कप मिल्क पाउडर,
आधा चम्मच हरी इलायची के दाने, इलायची को हमने पाउडर कर लिया है, ब्रेड का हमने क्रम बना लिया है। सारी इंग्रेडिएंट्स को हम दूध में डालेंगे। रबड़ी बनाने के लिए 1 लीटर दूध गर्म हो गया है, इसमें हम 100 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। अब दूध को हमने 15 मिनट तक चीनी डाल के पका लिया है, अब इसमें ब्रेड क्रम डालेंगे। इसको थोड़ी देर पका लेंगे, इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे और मिल्क पाउडर। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। अब यह गाढ़ा हो चुका है, अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। चाशनी के लिए हमने 2 कप चीनी ले लिया है, इसमें 1.5 कप पानी ऐड करेंगे और इसे एक तार होने तक पकाएंगे। इलायची को हमने पाउडर कर लिया। अब चाशनी को हमने 7-8 मिनट तक पका के गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, इसमें थोड़ा सा हमने केसर का पानी भी डाला है। जब आप मिक्सी में फेंटते हैं तो अच्छे से फेंटें, बैटर थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो उसे आधा घंटा फ्रिज में रखें, या तो एक बर्तन में बर्फ डाल के और बैटर का बर्तन बर्फ पर रख दें, ठंडा बना रहेगा। इस ट्रिक के साथ आप बनाएंगे तो आपका घेवर अच्छा बनेगा, कभी खराब नहीं। अब इसमें हम शुगर सिरप डाल रहे हैं, नीचे से एक प्लेट हमने रख लिया है, जो एक्स्ट्रा शुगर सिरप होगा नीचे से निकल जाएगा। अब हमने 2 घेवर पर रबड़ी लगा दिया है। अब हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, इसे डेकोरेट कर देंगे। अब इसे हमने चांदी के वर्क और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट कर दिया है। अब यह घेवर तैयार है, इसे जब मन हो तब बना के खा सकते हैं। ज्यादातर इसे तीज और रक्षाबंधन पर बनाया जाता है, सावन में लोग ज्यादा घेवर पसंद करते हैं। यह राजस्थान की फेमस यानी प्रसिद्ध मिठाई है, यहाँ घेवर मिठाई के दुकानों पर काफी मात्रा में मिलता है। जब यह हम घर में बनाते हैं तो और स्वादिष्ट बनता है, अपनों का भी प्यार मिलता है। घर की बनी हुई चीज बहुत ही डिलीशियस होती है, इसे घी या अच्छे ब्रांड के रिफाइंड में बनाया जा सकता है। इसे आप भी ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।